ਅੱਜ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਿਰਾ ਕੇ ਹਤਿਆਰੇ ਕੋ ਹੀਰੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। इंदिरा गांधी जी केवल कांग्रेस पार्टी की नेता नहीं थी, वो इस देश की नेता थी। वो विश्व में उनको लौह महिला का दर्जा दिया है, तो इसलिए इस तरह की मूवी बनाना और हथियारों को हीरो का दर्जा देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो भी लोग, जो भी सरकार ऐसा कर रही है, उसको ऐसा करने से बचना चाहिए। इस फिल्म के रिलीज से पहले ही सियासत में भूचाल आ गया है। इस फिल्म में इंदिरा की हत्या दिखाई गई है। राम सिंह, ये क्या कर रहे हो? कांग्रेस कह रही है इस फिल्म पर बैन लगाओ। मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के कारण पूरे समाज में तनाव पड़े तो उसमें हमारी एक जिम्मेवारी भी बनती है। और मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहना चाहती हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की हत्या को किसी ने हल्केपन से दर्शाने का प्रयास किया या उनके हथियारों को, जिनको कानूनी तौर पर सजा मिली है, उनको हीरे के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया, तो मैं समझती हूँ यह उचित नहीं है। मेरी राय है। पंजाब में इस फिल्म को लेकर अलग अलग राय है। सवाल है, इंदिरा गांधी के कातिल बेअंत सिंह, सतवंत सिंह और केहर सिंह को हीरो की तरह क्यों दिखाया गया? सुनिए फिल्म के प्रोड्यूसर का जवाब। किसी ने अपनी कम्युनिटी के लिए, किसी ने अपने रिलीजन के लिए कुछ जो कंट्रीब्यूशन किया हो, उसको कौम दे हीरे अगर कह भी देंगे गलत नहीं है। वैसे भी आपको मालूम होगा हमारे देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इन लोगों को हर साल सम्मानित कर रही हैं। उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि कौम दे हीरे इन्हें क्यों कहा जा रहा है? आज अगर मैंने पिक्चर बना ली है सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर, तो इस ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इस फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस कर रही है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं उन्हें इस फिल्म के बारे में मालूम नहीं, वो फिल्म देखते ही नहीं। राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद केटीएस तुलसी की राय कांग्रेस से अलग है। वो कहते हैं ये फिल्म दिखाई जानी चाहिए। मैं वैसे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का समर्थक हूँ और मैं समझता हूँ कि सच कभी भी दुख देता है मगर कभी हारता नहीं है। जो भी सच है लोगों के सामने आना चाहिए, और ये फिल्म से, इस फिल्म से लोगों के, सारी जनता के, सारे देशवासियों के जो घाव हैं उनके ऊपर मरहम लगेगी। इस फिल्म के रिलीज से पहले तीन सवाल हैं। क्या ये फिल्म एक नया विवाद खड़ा कर देगी? क्या ये पुराने घाव पर मरहम लगा पाएगी, या फिर वो पुराने घाव इस फिल्म से फिर हरे हो जाएंगे? फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं उसका सब्जेक्ट थोड़ा संवेदनशील किस्म का है। ये फिल्म पंजाबी में बनी है, सेंसर बोर्ड से इसको हरी झंडी मिल चुकी है और 22 अगस्त को ये रिलीज भी होने जा रही है। लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म को लेकर इतराज उठाए जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इस फिल्म में, आपको दिखाते हैं। राम सिंह, ये क्या कर रहे हो? इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। राम सिंह, ये क्या कर रहे हो? फिल्म के प्रोमो में इसे बेअंत सिंह बताया गया है और इसे सतवंत बताया गया है। पुलिस की वर्दी में ये दोनों
पूर्व प्रधानमंत्री की हिफाजत करते हुए दिखाए गए हैं और अचानक एक दिन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचते हैं। इस शानदार बंगले को एक सदरजंग रोड की तरह दर्शाया गया है। सीन में पूर्व प्रधानमंत्री की एंट्री होती है। और बेअन का किरदार निभाने वाला एक्टर सैल्यूट मारता है। और पहली गोली चलती है। राम सिंह, ये क्या कर रहे हो? इसके बाद फिल्म में दूसरा बॉडीगार्ड सतवंत सिंह मशीन गन से गोलियां चलाना शुरू करता है और पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही सरकारी बंगले में कर दी जाती है। 22 अगस्त को रिलीज हो रही पंजाबी फिल्म कॉम द हीरे का यह सबसे विवादित सीन है। इस सीन को सबसे ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। पूरी फिल्म इंदिरा गांधी की हत्या के बैकग्राउंड में बनाई गई है। इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअन सिंह और सतवंत सिंह को फिल्म का हीरो बताया गया है। फिल्म कौम दे हीरे शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। कांग्रेस से जुड़े लोग फिल्म को दिखाए जाने का विरोध कर रहे हैं। पंजाब युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को इस फिल्म के खिलाफ चिट्ठी लिखी है, लेकिन फिल्म बनाने वालों का दावा है कि उन्होंने सिर्फ इतिहास दिखाने की कोशिश की है। पंजाब के जाने माने गीतकार राज काकड़ा इस फिल्म में बेअन सिंह का रोल निभा रहे हैं। फिल्म के एक्टर कहते हैं उन्होंने वो दिखाया जो जांच कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है। कौम दे हीरे फिल्म है ये, शीर भाई सतवंत सिंह और भाई बेअन सिंह, शीर भाई केर सिंह, इन तीनों के जीवन पर आधारित है। 1984 की ट्रू स्टोरी है। इससे कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं। जो पब्लिश वर्क मिलता है उस वाक्या पर और ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर और तीनों परिवारों से बातचीत करके मेल मिलाप करके जो एक ट्रू स्टोरी है जो वो ही हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आप तो इनको शहीद बनाकर पेश कर रहे हैं फिल्म में, लेकिन कांग्रेस वाले इनको अरेस्ट करें? नहीं नहीं, इन तीनों शहीदों को अकाल तख्त साहब ने शहीद माना है और वो मेरी कौम के हीरे हैं। दरअसल कौम दे हीरे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में पैदा हुए हालात की कहानी है, जिसमें कुछ लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या तक करने को तैयार हो जाते हैं। जनवरी में सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी। बोर्ड को फिल्म के कई सीन पर एतराज था। इन सीन्स के हटने के बाद अब इसे रिलीज करने की इजाजत मिल गई है। 5 महीने पहले ये फिल्म दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है और सेंसर बोर्ड से पास है। सेंसर बोर्ड एक जिम्मेवार संस्था है, जिम्मेवार संस्था है सेंसर बोर्ड के। उससे पास होने के बाद तो किंतु परंतु करना नहीं बनता किसी का। और जब दुनिया भर में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हम सब रिलीज कर चुके हैं, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं वापरी, फिर यहाँ ऐसी क्या बात है? सेंसर बोर्ड का भी मानना है कि इस फिल्म में आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। आपको सुनाते हैं मोहन सिंह सैनी की बात, जो फिल्म को पास करने वाले पैनल के सदस्य रहे हैं। हमें तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा, क्योंकि ये पिक्चर एक सच पे आधारित है और एक ट्रू स्टोरी है जिसको एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने दर्शाने की कोशिश की है। देखिए, कोई भी विषय के ना दो पहलू होते हैं, तो एज अ स्क्रीनिंग कमेटी हमको ये देखना पड़ता है कि लोगों के सामने वो प्रोड्यूसर का ये काम है कि वो सच लाना है कि दूसरी तरफ का सच क्या है। और ये मूवी का जो सब्जेक्ट है वो ऐसा है कि किसी को ग्लोरीफाई, कोई भी कैरेक्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, सच्चाई बताई गई, दोनों पहलू बताए गए हैं। कर रहे हैं पंजाबी फिल्म कौम दे हीरे की, जिसमें इंदिरा गांधी के हथियारों को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार बताया था कि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह उनके लिए दोस्त जैसे थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बॉडीगार्ड्स उनकी दादी की हत्या कर देंगे। सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को मैं जानता था और एक प्रकार से वो मेरे दोस्त थे। जैसे ये हमारे
बॉडीगार्ड खड़े हैं वैसे ही वो थे और उनसे मेरी दोस्ती थी। कोई मुझे बैडमिंटन सिखाता था, कोई मुझे वर्जिश करना सिखाता था। और एक दिन गुस्से के कारण मेरे दोस्तों ने मेरी दादी को मार दी और मुझे मेरे अंदर, जैसे ये खड़े हैं यहां पे, नाम क्या आपका, जैसे इनसे इनके अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर भी गुस्सा था। गुस्सा था कि ये इन दोनों ने क्यों किया, क्रोध था मेरे अंदर और वो मेरे ऊपर एक बोझ बना था। उस क्रोध ने मुझे दबा कर रखा था और एक दिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो वहां हुआ, मैं स्कूल में था, मैं आपको और गहराई नहीं बताता हूं, मैं स्कूल में था, ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी और मैं शीशे के बाहर देख रहा था, वहां पे एक पेट्रोल पंप हुआ करता था, मैं शीशे के बाहर देख रहा था और एक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना है। मैं बदमाश था, प्रिंसिपल के ऑफिस तो मैं रोज जाता था, तो उठा के मुझे ले गए। जब मैं वहां गया, जो हमारे घर में एक महिला काम करती है वो फोन पे थी, चिल्ला रही थी, दबा के चिल्ला रही थी। मैंने ऐसी चीख कभी नहीं सुनी थी पहले। और मैंने उनसे पूछा पापा कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी डर था, माहौल ऐसा था, तो मैंने उनसे पूछा पापा कैसे हैं, क्योंकि पापा बंगाल में थे। तो उन्होंने कहा पापा ठीक है। फिर मैंने कहा मामा कैसी हैं, मामा ठीक है। और फिर मुझे थोड़ी घबराहट हुई और मैंने पूछा दादी कैसी हैं, और फिर उसने कहा कि तुम वापस आ जाओ। और फोन इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। उस दिन असल में क्या हुआ था हम आपको सुनाते हैं। उस वक्त इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे आर के धवन की जुबानी, जो हत्या के वक्त इंदिरा गांधी के पास मौजूद थे। जब अकबर रोड जाम पर दूसरे इंटरव्यू होनी थी, उसके हम जा रहे थे, जब हम गेट के पास पहुंच, जब जा रहे थे तो रास्ते में एक उनको वेटर मिला जो कप और प्याले ले जा रहा था चाय के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये कप और प्याले अच्छे नहीं हैं, जाओ वापस, दूसरे कप और प्याले लेके आओ। इंदिरा गांधी उस गेट के करीब पहुंच गई जो एक अकबर रोड और एक सफदरजंग रोड को जोड़ता है। वहां रिवॉल्वर के साथ बेअंत और मशीन गन के साथ सतवंत मुस्तैद खड़े थे। इंदिरा ने बेअंत को देखा और बेअंत ने उन्हें नमस्ते कहा। इसके बाद बेअंत सिंह ने अचानक 38 बोर के सरकारी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर फायर करने लगा। सतवंत ने भी मशीन गन से गोलियां दागनी शुरू कर दी। हैरत की बात यह है कि प्रधानमंत्री निवास में 24 घंटे तैनात होने वाले एम्बुलेंस का ड्राइवर भी उस वक्त मौजूद नहीं था।